एक्स कानून जो कि हिंदुस्तान में 2006 में लागू हुआ था, यहाँ उस कानून को लगभग 16 साल लगे लाने में, और मार्च 2020 में उसको लागू किया गया। लेकिन इस कानून के तहत जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपिंग कम्युनिटीज को हकूक दिए गए थे, उसमें एक इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स था और एक कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स था, और अभी वो प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ था। इस कानून के रूप से हर गांव में एक विलेज फॉरेस्ट राइट्स कमेटी बनेगी, लेकिन उस फॉरेस्ट राइट्स कमेटी को वहां की देह मजलिस बनाएंगे, यानी लोग बनाएंगे। लेकिन ये फॉरेस्ट राइट्स कमेटीज जो आज तक जम्मू कश्मीर में बनाए गए, वो लोगों के बगैर बनाए गए। चार पांच लोग बैठे पंचायत में और VLW और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग, और उन्होंने बनाए। ये एक कि उनको अच्छी तरीके से नहीं बनाया गया जो कानून के तरीके से, और दूसरा अब जो भी बने भी, लेकिन जो फॉरेस्ट राइट्स कानून जो इससे पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत ये लोग एनक्रोचर बोलते थे ट्राइबल्स को या अदर फॉरेस्ट डेवलपर्स को, वो इन्होंने कंटिन्यू रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि जब तक फॉरेस्ट राइट्स सेटल नहीं होगी तो इविक्शंस नहीं होगी। तो ये इस वक्त जो हमें जरूरत पड़ी आप सब के सामने, फॉरेस्ट कम्युनिटीज को, ट्राइबल्स को FIR लगा रहे हैं, इविक्शन नोट सर्व कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंटरवीन कर रहा है जो फॉरेस्ट राइट्स कमिटीज है उनके उस गठन में इंटरवीन कर रहा है, फॉरेस्ट राइट्स इंप्लीमेंटेशन में ये इंटरवीन कर रहा है, पूरे जो इस कानून के रूप से मतलब हर जगह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। वाहिद जम्मू कश्मीर एक स्टेट है जहां पे एक्यूज्ड पार्टी है। ये हमारा मुतालबा है कि इसको रिमूव किया जाए, और जिस तरह हर जगह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नोडल एजेंसी है, यहां भी वही है। और दूसरा कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्टेट कर रहा है, जो अभी आप देखिए कि हमारे यहाँ कानूनों की जो जानकारी है पढ़े लिखे लोगों को नहीं है, तो हमारे गांव में तो बिल्कुल है ही नहीं, तो वहां ये अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड फ्री कराएं। और जबकि अगर आप हमारे फॉरेस्टर्स को देखें तो ये सारे फॉरेस्टर्स कम्युनिटी फॉरेस्टर्स है, और फिर जो फॉरेस्टर्स के एडजॉइनिंग एरियाज में गांव बस रहे थे, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेस्ट के रिसोर्स पे, फॉरेस्ट लैंड पे, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे। तो फॉरेस्ट कानून जो है, फॉरेस्ट राइट्स कानून, ये इसीलिए लाया गया कि जो हिस्टोरिकल मिस्टेक्स थे, जो आज तक गलतियां कर रहा था सरकार, उनको सुधारने के लिए। लेकिन अगर वही गलतियां अब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर सरकार कंटिन्यू करेंगे तो फिर इस कानून को लाने का मकसद क्या है? तो हमारा ये एक मुतालबा ये है कि जो कमिटीज का गठन है, जैसे विलेज फॉरेस्ट राइट्स कमेटी है, उनको वहां पे जो जमहूरी तरीके से किया जाए, लोगों के कंसेंट से किया जाए, लोगों से पूछ के किया जाए, जो कि कानून में है। दूसरा कि जो सब डिविजनल लेवल कमिटीज है और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज, उन दोनों को नॉमिनेटेड बनाया गया है। हम उन दो का भी हमारा मुतालबा है कि वो भी डेमोक्रेटिकली और मतलब वो भी जमहूरी तरीके से उनका भी गठन हो। और ये एक है, और दूसरा ये है कि जितने भी FIR फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाए हैं और इविक्शन नोटिस, उनको वापस लिया जाए, और जो जमीन है और इसका इंतजार किया जाए जब तक फॉरेस्ट राइट्स सेटल हो। वंस फॉरेस्ट राइट्स सेटल हो, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स सेटल हो, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स सेटल हो, तो उसके बाद वो अपनी कार्रवाई शुरू करें। और फॉरेस्ट राइट्स में इतना ही नहीं है कि कम्युनिटीज को फॉरेस्ट राइट्स के तहत राइट दिया गया है कि उनके पोसेशन में जो लैंड है अप टू 10 acres कि वो उनको दी जाएगी, या जो उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उनको बरकरार रखा जाएगा, जो उनका रिसोर्स के ऊपर राइट है उसको बरकरार रखा जाएगा, बल्कि कम्युनिटी को इस कानून के तहत कि वो खुद कंजर्वेशन करेगी, खुद वो जंगलों की हिफाजत करेंगी,
तो वो मतलब सरकार इस तरह कर रही है कि जैसे वो कोई नहीं है, कि यही है कॉलोनियल प्रैक्टिस है, तो हम चाहते हैं कि ये बंद हो, कॉलोनियल प्रैक्टिस होनी नहीं चाहिए और ये एफआईआर वापस होने चाहिए, और प्रोसेस का इंतजार करें जब तक प्रोसेस कंप्लीट हो, और कंप्लीट प्रोसेस के बाद जो कार्रवाई बनती है वो करें।